टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल संग्रह को। इसको आप स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एडोबी प्रीमियर प्रो के बारे में बताना चाहता हूँ। एडोबी प्रीमियर प्रो को जब भी हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है, कभी कभी आता है, जैसे कि इसमें आता है एडोबी प्रीमियर प्रो कुड नॉट फाइंड एनी कैपेबल वीडियो प्ले मॉड्यूल्स, प्लीज अपडेट योर डिस्प्ले ड्राइवर्स एंड रिस्टार्ट अगेन। इसको आप डिस्प्ले पर भी मैं दिखा देता हूँ कि यह कौन से प्रॉब्लम को बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो आपको बहुत सारा यूट्यूब में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे में प्रॉब्लम आया था तब वो जितना भी तरीका उसमें बताया गया है उससे सॉल्व नहीं हुआ। मैं एक नया तरीका अपनाया था जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसी को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के में प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए और अपने लैपटॉप में एडोबी प्रीमियर प्रो को आसानी से यूज कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा एडोबी प्रीमियर प्रो, और जब भी हम इसको किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं जिसका लो कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर और किसी किसी में प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है, एडोबी प्रीमियर प्रो कुड नॉट फाइंड एनी कैपेबल वीडियो प्ले मॉड्यूल्स, प्लीज अपडेट वीडियो डिस्प्ले ड्राइवर्स एंड स्टार्ट अगेन। इस तरीके से लिखा हुआ आता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके दो तरीका होता है। इसके लिए पहले आपको डिवाइस मैनेजर में जाना होता है। डिवाइस मैनेजर में जाने का भी दो तरीका होता है। पहला मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको विंडोज़ के आइकॉन में, मेरा विंडोज़ 10 है, तो इसमें आपको राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्लिक करके आप डिवाइस मैनेजर में जा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है उसके लिए आपको दिस पीसी में आपको राइट क्लिक करना होता है और उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको क्लिक कर लेना है। डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले एडाप्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी को अपडेट करना होता है। इसी के कारण से ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको अपडेट करना होता है। तो इसके लिए आपको इस अडाप्टर में राइट क्लिक करना है, सॉरी इसमें नहीं, इसको नीचे खोलना है, उसके बाद फिर इसमें राइट क्लिक करना है और उसके बाद अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, आपका लैपटॉप कंप्यूटर जो है नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ रहा है द बेस्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर योर डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है बता रहा है। मेरे में भी यही प्रॉब्लम आया था, ऐसे ही प्रॉब्लम था, और मैं यूट्यूब में सर्च किया तो बताया गया था कि उसको अपडेट करना है, तो अपडेट किया तो बताया गया कि द बेस्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर योर डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मेरे में पहले से इंस्टॉल था, उसके बाद भी मैं ओपन किया तो ओपन नहीं होता था। तो दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो उसके लिए अगर आपका ड्राइवर पहले से ही अपडेटेड है तो आपको क्या करना है, जो अपडेटेड वाला वर्जन है उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ से फिर से डिवाइस मैनेजर में आना है और इसको फिर से ओपन करना है डिस्प्ले अडाप्टर को, और इसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। इस तरीके से यहाँ को क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल करना है। जब इसको आप अनइंस्टॉल करोगे तो आपका डिस्प्ले जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले ड्राइवर आप अनइंस्टॉल कर दे रहे हो, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा, लैपटॉप में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपके लैपटॉप में जो पावर बटन है उसकी सहायता से आपके लैपटॉप को आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करोगे फिर डिस्प्ले में कुछ आने लग जाएगा, जो आता है वो, तो डिस्प्ले फिर से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिस्टार्ट कर लीजिए, और रिस्टार्ट जब करोगे तो इसका ओल्ड वर्जन आ जाएगा जो डिस्प्ले ड्राइवर है। उसके बाद अपना एडोबी प्रीमियर प्रो आप ओपन करके देखिए, आपका एडोबी प्रीमियर प्रो चलने लग जाएगा। मेरे में मैं ऐसे ही किया, इसको अनइंस्टॉल किया, उसके बाद रिस्टार्ट किया, उसके बाद एडोबी प्रीमियर प्रो को ओपन किया, तब ये चलने लग गया। जबकि मैं इसको अपडेट करता हूँ तब ये नहीं चलता है। मेरा एडोबी प्रीमियर प्रो अभी ओपन हो जाता है, इसी कारण से मैं उसको ओपन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको अनइंस्टॉल करोगे तो आपके में 100% ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारा जानकारियाँ लेकर के मैं इस चैनल में आते रहता हूँ। थैंक यू।